ये एक अकेली पार्टी है जहां देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और अपनी सदस्यता हर 6 साल पर फिर से नवीनीकरण करानी पड़ती है और फिर से उनको जुड़ना पड़ता है। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। किसी पार्टी में संविधान के तहत जहां अधिकार का समानता है, वहीं अधिकार के साथ साथ अवसर की भी समानता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ सदस्यता अभियान में जुड़ने का, मिलने का और आपके साथ सदस्यता अभियान को कार्य रूप देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जब पटना साहिब की इस धरती पर आया हूँ तो सबसे पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पर जाकर शीश झुकाकर उनके बलिदान को और मुगल आक्रांताओं से लड़ने का जो उन्होंने हम सबको रास्ता प्रशस्त किया, उनको मैं शीश झुकाकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। हम भूल नहीं सकते गुरु गोविंद सिंह जी को। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप इस पवित्र नगरी, पौराणिक नगरी पाटलिपुत्रा के रहने वाले हैं, जहां आपको माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है और गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा मिलती है। ऐसे पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूँ और नमन करके अपनी बात को कहता। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका जन्म यहाँ हुआ, मुगल आक्रांताओं के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके 4 पुत्रों को उनकी शहादत दी गई, लेकिन कभी भी वो मुगल आक्रांताओं के सामने झुके नहीं। ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं। आज हम सब लोग सदस्यता अभियान के दृष्टि से यहां जुड़े हैं। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री के कर्मकांडों द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई। ये एक अकेली पार्टी है जहां देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, सबको अपनी सदस्यता हर 6 साल पर फिर से नवीनीकरण करानी पड़ती है और फिर से उनको जुड़ना पड़ता है। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां या तो जाति की पार्टी है, या तो किसी इलाके की पार्टी है, या परिवार की पार्टी है, या कोई विशेष समुदाय की पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबकी पार्टी है और सारे समाज की पार्टी है। तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा हम लोगों ने एक तस्वीर खिंचवाई, एक ही तस्वीर में, कहीं कोई किसी और पार्टी में देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष और बूथ का अध्यक्ष एक साथ खड़े होकर के वह अपनी सदस्यता ग्रहण करता हो? यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी। हम 18 करोड़ की पार्टी हैं और इस बार का हमारा लक्ष्य वोट के नवीनीकरण का लगभग 10 करोड़ का है। 1.25 करोड़ से हम ज्यादा हमारी सदस्यता हो चुकी है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का पूरा योगदान रहेगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। हमारी पार्टी में
संविधान के तहत जहां अधिकार का समान समानता है, वहीं अधिकार के साथ साथ अवसर की भी समानता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको बराबर का अवसर है। बाकी पार्टियों में एक खास परिवार के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास खानदान के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो, एक खास जाति के होगे तभी तुम अध्यक्ष बन सकते हो। लेकिन यहां पर साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये संभव आप लोगों का है। आप देखिए मंच पर बैठे हुए लोगों को, सब सामान्य परिवार से आए हैं, सब सामान्य परिवार से निकल करके आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए ऐसी पार्टी जो सबको समान अवसर दे, इसमें हम सब लोगों को भी शिरकत करना चाहिए और जुड़ना चाहिए। हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, वंचित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था, यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग हमारे पास थे और हमारे को बताया गया कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में दलित भाई भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी सब पार्टियों ने दलित भाइयों के साथ राजनीति की, कभी उनका हक नहीं लिया, कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। ये कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर अंबेडकर को एक बार नहीं दो दो बार लोकसभा में जाने से रोकने के लिए हर तरीके का प्रयास किया और डॉक्टर अंबेडकर को रोकने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया और भारत रत्न से बनाया। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की बात कही 26 नवंबर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करके 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का प्रयास किया। 2014 के पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? इसलिए कि आपके दलितों के प्रति कोई आस्था नहीं थी, आप दलितों की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, पर उनकी चिंता नहीं करते थे। उनकी चिंता अगर किसी ने की तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की यहां पर। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए मऊ को, जो उनकी जन्मभूमि थी, वहां एक बड़ा मेमोरियल बनाया गया। उसी तरीके से लंदन में जाकर के जहां वो पढ़े थे उस भूमि को खरीद करके भारत सरकार ने वहां उसको शिक्षा भूमि बनाई, और उसी तरीके से नागपुर को दीक्षा भूमि बनाई, और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि बनाकर डॉक्टर अंबेडकर को पूरा स्थान देने का काम किया, और मुंबई में चैतन्य भूमि बनाकर डॉक्टर अंबेडकर को इज्जत देने का काम किया। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज हमारी बीजेपी थी, अटल जी की सरकार थी, जब पहला दलित अध्यक्ष लोकसभा का बनाया गया बाल योगी जी को, वह भी हमारे समय में। आज 71 मंत्रियों में मोदी जी के 10 मंत्री हमारे दलित भाई हैं, 27 मंत्री हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं और 5 मंत्री हमारे आदिवासी भाई हैं। पहले कभी आपने देखा क्या ऐसा? कभी देखा? ये मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी।
और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आपको जानकर के खुशी होगी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 4 करोड़ में 1,77,00,000 घर जो मिले हैं वो हमारे दलित भाइयों को और आदिवासी भाइयों को मिले हैं। 1,77,00,000 लगभग। उसी तरीके से अगर हम देखें तो हर विकास की योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री हमारे जल जीवन मिशन, हमारे सभी योजनाओं में आयुष्मान भारत, इसमें सबसे ज्यादा हमारे दलित भाइयों को उनकी व्यवस्था करने का काम इन योजनाओं के तहत किया जा रहा है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमें यह टारगेट 10 करोड़ तक पहुंचाना है। आप पूरी ताकत से लगिए और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। मैं बहुत खुश हूं आज कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसको आगे बढ़ाइए। कोई भी इस इलाके का, कोई भी इस बस्ती का व्यक्ति ना छूट जाए जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने से वंचित रह जाए। यह हमको प्रण लेना है। बोलिए, करेंगे ना, घर घर जाएंगे ना, और सदस्य बनाएंगे ना, कमल खिलाएंगे ना, और बिहार को आगे ले जाएंगे ना। ये आप सामने देखते हैं ना, पुल बन रहा है, ये बना है। अब आप 10 मिनट में कहां दीघा और कहां पटना सिटी पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, इलाके का विकास हुआ कि नहीं, जमीन की कीमत बढ़ी कि नहीं, इलाके का महत्व बढ़ा कि नहीं, ये सब विकास की नई कहानी कह रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करना आपका और हमारी जिम्मेवारी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत।